Hello, my dear Spivans. How are you all? I hope you all are fine and doing good with your studies. I'm back with second lecture of this topic, Physical, Political and Geographical Chhattisgarh. And last class में हमने introductory part discuss किया था. अभी हमारी कुछ classes basically हमारे ये foundation ही lay करेंगी, okay? So before starting our lecture, let's have a look on these links. You can go through these links to stay connected and notified with us, and you can also visit our website and our Insta Mojo store to purchase our study material. Let's start our class. आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, मतलब फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर. इसी तरीके से इसी सीरीज में फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ आज हम डिस्कस करेंगे. सो हमारे फर्स्ट गवर्नर कौन थे? हमारे फर्स्ट गवर्नर थे श्री दिनेश नंदन सहाय. ठीक है, श्री दिनेश नंदन सहाय. सो ही टुक ओथ एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2000. एंड उनको शपथ किन्होंने दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी आर एस गर्ग, जो हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है, शपथ दिलवाई थी आर एस गर्ग ने. और 2018 में ही, मतलब लास्ट ईयर ही इनकी डेथ हो गई. ओके, सो फर्स्ट गवर्नर श्री दिनेश नंदन सहाय हैं, ये उन्हीं की पिक्चर है, आप इन्हें अच्छे से याद रखिए. फिर है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी. ठीक है, श्री अजीत जोगी, ये अजीत प्रमोद कुमार जोगी इनका पूरा नाम है. एंड ही बिलोंग्स टू पेंड्रा रोड बिलासपुर. ठीक है, वहाँ एक विलेज है डोंगरी, वहाँ इनका जन्म हुआ था. सो ही बेसिकली बिलोंग टू बिलासपुर पेंड्रा रोड. ओके, मरवाही जो है इनका, जो इलेक्शन वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मरवाही है. ओके, सो चीफ मिनिस्टर आप ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी. फर्स्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो श्री डब्ल्यू ए शशांक चीफ जस्टिस के रूप में आप याद रखिए. लेकिन फर्स्ट कार्यवाहक चीफ जस्टिस, मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थे? आर एस गर्ग. ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस तो डब्ल्यू ए शशांक थे, बट फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें तो श्री आर एस गर्ग हैं. ठीक है, कार्यवाहक श्री आर एस गर्ग हैं. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चुनाव आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह. तो आज जो नेम्स हैं, आज सारे नेम्स हैं. ठीक है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको बिल्कुल मेमोराइज करना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये नेम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर श्री अजय कुमार सिंह. फर्स्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन, मतलब जो मानव अधिकार का आयोग है, उसके चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट श्री के एम अग्रवाल. अपने तरीके से कुछ ट्रिक लगा के या किसी भी तरीके से मेमोराइज करने की कोशिश करिए. फिर देखिए, ये दोनों सेम हैं. कौन दोनों? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पीएससी जो है, उसके फर्स्ट चेयरमैन भी श्री मोहन शुक्ल, और यहाँ के डीजीपी भी पहले कौन थे? श्री मोहन शुक्ल. ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पीएससी श्री मोहन शुक्ल, और फर्स्ट डीजीपी श्री मोहन शुक्ल. फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार. जो मुख्य सचिव होते हैं वो पहले कौन थे? श्री अरुण कुमार. ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री राजेंद्र प्रसाद. इसके आगे हम कुछ ऐसे भी सेशंस लाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि अभी डीजीपी कौन है. ठीक है, अभी डीजीपी कौन है, अभी चीफ सेक्रेटरी कौन है, अभी प्रेसिडेंट कौन है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, है ना, इस तरीके से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. होम मिनिस्टर कौन है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाले, तो बहुत ध्यान से पढ़िए. फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें स्पीकर कहते हैं. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? श्री बनवारी लाल अग्रवाल, श्री बनवारी लाल अग्रवाल. फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है? श्री नंद कुमार पटेल. और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है सत्य नारायण शर्मा. ठीक है, एजुकेशन हमको सत्य बोलना सिखाती है, इसी तरीके से याद रखिएगा. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड.
तो जो एजुकेशन है वो हमको क्या करना सिखाती है, सत्य बोलना, तो एजुकेशन सत्य, ठीक है। होम नंद मतलब घर में हमारे नंद आए, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो होम में कौन आया था, नंद, ठीक है। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर श्री नंद कुमार पटेल और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर सत्य नारायण शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट गवर्नर श्री दिनेश नंदन सहाय, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। आई एम रिपीटेडिवली आई एम सेइंग दिस कि जिसको भी बहुत बोरिंग लग रहा होगा ना, जो दो चार बार पहले पढ़ चुका है, जिसको बिल्कुल याद है ये सारी चीजें और आपको बोरिंग लग रहा है, देन प्लीज आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, आप आगे के सेशंस देखिएगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंटिन्यूसली रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसा आपको ठीक लगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर श्री दिनेश नंदन सहाय, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, फर्स्ट चीफ जस्टिस श्री डब्ल्यू ए शशांक, एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन था, आर एस गर्ग, ये डब्ल्यू ए शशांक और ये आर एस गर्ग, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, चुनाव आयुक्त अजय कुमार सिंह, ठीक है, चुनाव आयुक्त थे अजय कुमार सिंह, ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन, मानव अधिकार के कौन थे, के एम अग्रवाल, ठीक है, के एम अग्रवाल, पीएससी के फर्स्ट चेयरमैन और फर्स्ट डीजीपी, एक साथ याद रखिए, मोहन शुक्ला, चीफ सेक्रेटरी कौन थे हमारे यहाँ के, फर्स्ट अरुण कुमार, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट श्री बनवारी लाल अग्रवाल, होम मिनिस्टर श्री नंद कुमार पटेल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर श्री सत्यनारायण शर्मा, ठीक है। फर्स्ट लोकायुक्त, पहले लोक आयुक्त कौन थे, श्री के एम अग्रवाल, जस्टिस कृष्ण मुरारी अग्रवाल, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी देखा यहाँ पे कि फर्स्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी कौन थे, श्री के एम अग्रवाल, और हम अगेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट लोक आयुक्त कौन थे, श्री के एम अग्रवाल, ठीक है। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री ए के विजय वर्गीय, ऐसे रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर कौन था, एके विजय वर्गीय, एके विजय वर्गीय, और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर अजय कुमार सिंह, मतलब यहां भी एके आ रहा है, एके सिंह और एके विजय वर्गीय, इलेक्शन कमिश्नर एके सिंह, ठीक है, और यहां पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एके विजय वर्गीय। फिर फर्स्ट वुमेन कमीशन चेयरमैन, वुमेन कमीशन जो था उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, श्रीमती हेमवंत पोर्टे, ठीक है, श्रीमती हेमवंत पोर्टे, पोर्टे या पोर्टे जो भी है। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर अनडिवाइडेड एमपी, जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर कौन थी, जो पर्टिकुलरली इस एरिया से बिलोंग करती होंगी, छत्तीसगढ़ से ही, लेकिन उस वक्त डिवाइडेड नहीं था, तो कौन थी वो, श्रीमती पद्मावती देवी। और फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर छत्तीसगढ़ की, जब अलग हो गया उसके बाद छत्तीसगढ़ की कौन बन गई, श्रीमती गीता देवी सिंह कहलाई फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर, श्रीमती पद्मावती देवी, श्रीमती गीता देवी, फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंट्रियन, ठीक है, संसद में फर्स्ट टाइम वुमेन छत्तीसगढ़ से कौन भाग ली, मिनी माता रायपुर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नेम पे हमारे यहाँ का जो विधानसभा का भवन है वो इन्हीं के नेम पे है, मिनी माता भवन, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट, फर्स्ट कमर्शियल हेलीकॉप्टर के पायलट छत्तीसगढ़ से कैप्टन आर आनंद, कैप्टन आर आनंद, ठीक है, कैप्टन आर आनंद जो पायलट थे, जो फर्स्ट कमर्शियल हेलीकॉप्टर के पायलट बने, वो जब कैप्टन बन गए तो उन्हें बहुत आनंद आया, ओके, इसलिए उनका क्या नाम है, कैप्टन आर आनंद। आप चीजों को ऐसे ही याद किया करिए, ओके, इसी तरीके से रिलेट करने की कोशिश किया करिए। फर्स्ट पर्सन टू बिकम सीएम ऑफ एनी स्टेट, पहले ऐसे इंसान जो छत्तीसगढ़ से, ऐसे इंसान जो सीएम बने किसी स्टेट के, देखिए ये जो है ये एमपी है, समझ लो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, लेकिन हम फुल्ली इसको एमपी मान रहे हैं अभी, ठीक है, पर ये एरिया तो छत्तीसगढ़ था ना, जो आज की डेट पे छत्तीसगढ़ है, तो रविशंकर शुक्ला हैं जो वो इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, समझ लो, है ना, लेकिन है क्या, ये एमपी है और वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, है ना।
तो इसलिए फर्स्ट पर्सन हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से फर्स्ट पर्सन जो कि किसी स्टेट के सीएम बने थे, किसी स्टेट मतलब यहाँ पे क्या हो गया मध्य प्रदेश, तो वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू बिकम गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, तो वो कौन थे, इसी समय पे कौन गवर्नर बना था, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू बिकम स्पीकर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी लेजिस्लेटिव किसी विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन बने थे छत्तीसगढ़ के एरिया से, कौन बने थे, मथुरा प्रसाद दुबे। ठीक है, मथुरा प्रसाद दुबे। ओके, फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लोकायुक्त श्री के एम अग्रवाल, जस्टिस कृष्ण मुरारी अग्रवाल जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी फर्स्ट चेयरमैन थे। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री ए के विजयवर्गीय, और जो कि इलेक्शन कमिश्नर भी थे, मतलब ये नहीं थे, सॉरी, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नेम जो है वो क्या है, अजय कुमार सिंह, तो वो ए के अगेन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। फर्स्ट विमेन कमीशन चेयरमैन, विमेन कमीशन की चेयरमैन कौन थी, श्रीमती हेमवंत पोर्टे। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर जब एमपी डिवाइड नहीं हुआ था तब श्रीमती पद्मावती देवी, जब डिवाइड हो गया तो श्रीमती गीता देवी। वुमेन पार्लियामेंट्री इन संसद में पहली कौन गई, मिनी माता रायपुर से। फर्स्ट कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट, कैप्टन को बहुत आनंद आया, कैप्टन आर आनंद। फर्स्ट पर्सन टू बिकम सीएम ऑफ एनी स्टेट, पंडित रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट पर्सन टू बिकम गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, ई राघवेंद्र राव। एंड फर्स्ट पर्सन टू बिकम स्पीकर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, मथुरा प्रसाद दुबे। ओके, मैक्सिमम ट्राइब्स पार्लियामेंट्रियन, मैक्सिमम टाइम्स पार्लियामेंट्रियन फ्रॉम छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा समय मतलब कितनी बार, सबसे ज्यादा बार कौन पार्लियामेंट्रियन बना है छत्तीसगढ़ से, लेट विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, झीरम घाटी में जिनकी डेथ हो गई, लेट विद्याचरण शुक्ल जो कि 9 times पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं छत्तीसगढ़ से। तो मैक्सिमम टाइम्स पार्लियामेंटेरियन या सांसद कौन रह चुका है, लेट विद्याचरण शुक्ल। छत्तीसगढ़ स्टेट गौ सेवा कमीशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, पवन दीवान। ठीक है, गौ सेवा कमीशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, पवन दीवान। फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट पढ़ लिए, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिए, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैसे छोड़ सकते हैं, तो वो कौन है, नंद कुमार साय। ठीक है, फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, नंद कुमार साय। फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली, वीवी तमस्कर, ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद, ये उससे पहले। ठीक है, फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली, वी वाई तमस्कर, याद रखिए। फर्स्ट एमएलए टू टेक ओथ इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में पहले ऐसे एमएलए जिन्होंने ओथ लिया था वो है नंद कुमार साय। ठीक है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने ही संस्कृत लैंग्वेज में ओथ लिया था। फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले ऐसे इंसान जिन्होंने रिजाइन किया था वो थे रामदयाल उइकी। ठीक है, फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, रामदयाल उइकी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मतलब कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी मतलब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, एस के मिश्रा। लेटर्स रिवाइज, मैक्सिमम टाइम्स पार्लियामेंट्रियन लेट विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ स्टेट गौ सेवा के फर्स्ट प्रेसिडेंट पवन दीवान, फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नंद कुमार साय, फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन था, वी वाई तामस्कर, और फर्स्ट एमएलए जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में ओथ लिया वो भी थे श्री नंद कुमार साय, फर्स्ट जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन किया वो थे रामदयाल उइकी, और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन SK मिश्रा। ठीक है, एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो पहला कॉलेज कौन सा है, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर, जो कब बना था, 1938। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, छत्तीसगढ़
कॉलेज रायपुर में बना था 1938 में। ये है फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा देखिए, जब हम एजुकेशन का चैप्टर डील करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि हम भी बेस फॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ का। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आँख बंद करके कोई आपसे ऐसे सोते हुए पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, विदाउट अ सेकेंड थॉट। एक सेकेंड भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है, कोई दूसरा विचार नहीं करना है, पहले विचार में ही आपके पास ये आंसर आने चाहिए। फर्स्ट कॉलेज कौन सा है? छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से 1938। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? इंदिरा आर्ट्स एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी, खैरागढ़, राजनांदगांव, ठीक है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव। ये कब बना था? 1956, ठीक है। फर्स्ट संस्कृत कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज देख लिए, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर 1938। फर्स्ट यूनिवर्सिटी देख लिए, इंदिरा आर्ट्स एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी खैरागढ़ राजनांदगांव 1956। अब देखते हैं फर्स्ट संस्कृत कॉलेज, फर्स्ट संस्कृत कॉलेज है रायपुर में 1955 में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन जनरल एजुकेशन, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर 1964। देखिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो आई थी वो तो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? वो थी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर 1964। ओल्डेस्ट ITI ऑफ छत्तीसगढ़, ITI का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कब बना? कोनी बिलासपुर 1904 में बना। कहाँ? कोनी बिलासपुर। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर 1963। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर 1963। फर्स्ट कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि जो पशुओं से रिलेटेड, पशु चिकित्सा से रिलेटेड, ठीक है, वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये कहाँ है? कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री अंजोरा दुर्ग, दुर्ग में ये फॉर्म हुआ, अंजोरा में 1985 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंजोरा, ठीक है, अंजोरा दुर्ग में एनिमल्स रिलेटेड फर्स्ट कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, 1985 में। फर्स्ट कॉलेज हमने देखा छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर 1938। फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमने देखा इंदिरा आर्ट्स एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी खैरागढ़ राजनांदगांव 1956। फर्स्ट संस्कृत कॉलेज देखा रायपुर 1955। और फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि जनरल एजुकेशन में बेस्ड हो वो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी 1964। ओल्डेस्ट ITI ऑफ छत्तीसगढ़ कोनी बिलासपुर 1904। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर 1963। और फर्स्ट कॉलेज वेटरिनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कहाँ खुला? अंजोरा दुर्ग में 1985 में। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो फर्स्ट न्यूज़पेपर रहा था छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा रोड से 1900 में निकाला गया, किसके द्वारा? माधवराव सप्रे के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर रहा था छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि वीकली न्यूज़पेपर था, इट वाज नॉट अ डेली न्यूज़पेपर, और पेंड्रा रोड से निकाला गया कब? 1900 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर, ये तो वीकली था, ठीक है, ये तो वीकली था, तो फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर कौन सा था? महाकौशल 1951 में महाकौशल, 1900 छत्तीसगढ़ मित्र। फर्स्ट छत्तीसगढ़ी मूवी, जस्ट अ सेकेंड, तो फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर कौन सा रहा? महाकौशल 1951। फर्स्ट छत्तीसगढ़ी मूवी कौन सी रही? कही देबे संदेश, और इसके जो निर्देशक या डायरेक्टर हैं वो कौन थे? मनु नायक। कही देबे संदेश फर्स्ट छत्तीसगढ़ी मूवी है, इसका पोस्टर आप देख सकते हैं कैसा उस समय पे पोस्टर हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गीत राजदीप, संगीत मलय चक्रवर्ती, लेखक निर्माता और निर्देशक मनु नायक, ठीक है, तो नेम्स आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट छत्तीसगढ़ी मूवी का नाम था कही देबे संदेश।
फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र रायपुर में खुला 1963 में, फादर ऑफ जर्नलिज्म माधवराव सप्रे हैं, पत्रकारिता के जनक कहलाते हैं माधवराव सप्रे। फर्स्ट बॉलीवुड मूवी मेड इन छत्तीसगढ़ लाइफ में ट्विस्ट है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम छत्तीसगढ़ी मूवी की बात करें तो पहला मूवी है कहीं दे बे संदेश, लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड की कोई मूवी जो छत्तीसगढ़ में बनाई गई तो वो है लाइफ में ट्विस्ट है, जो कि पहली थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात कर लेते हैं, काशी वाराणसी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है, खरौद जो कि जांजगीर चांपा में है, ठीक है। तो ये आपको नेम्स बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। ये सब आपका बेस फॉर्म हो रहा है, जब हम इन जगहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको ऐसे याद आएगा कि अच्छा इसलिए इसे काशी कहा जाता है, इसलिए इसे कश्मीर कहा जाता है, इसलिए इसे खजुराहो कहा जाता है। फिलहाल आप ये चीजें रिवाइज करते रहिए कि काशी वाराणसी ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहा जाता है, खरौद जांजगीर चांपा, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ चैतुरगढ़ कोरबा, कश्मीर किसे कहा जाता है, चैतुरगढ़ जो है कोरबा में उसे कश्मीर कहा जाता है, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भोरमदेव कवर्धा, भोरमदेव जो है कवर्धा में उसे क्या कहा जाता है, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि वो एमपी में जो खजुराहो है उससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, ठीक है। तो खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है भोरमदेव जो कि कवर्धा में है। प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़, प्रयाग मतलब नदियों का संगम होता है वहां पे, तो यहाँ पे भी राजिम में महानदी पैरी और सोंधुर का संगम होता है, इसलिए राजिम को प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। कौन कौन सी नदियों का, महानदी पैरी और सोंधुर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और राजिम कहाँ है, गरियाबंद में है। शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, शिमला छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, मेन पार्ट जो कि सरगुजा में, ठीक है। बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेस है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, कोल्डेस्ट प्लेस है, ठीक है। आइलैंड ऑफ साल ट्रीज, साल ट्रीज जो है उसका आइलैंड मतलब साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, बस्तर को, याद रखिएगा, ठीक है। आइलैंड ऑफ साल ट्रीज, जो हमारा स्टेट ट्री है वो तो साल है, हम सब जानते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये कहाँ पाया जाता है, बस्तर डिवीजन में, इसलिए आइलैंड ऑफ साल ट्रीज कहा जाता है बस्तर को। चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी मतलब यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। आप जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी में। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ को, ये चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहा जाता है, अबूझमाड़ नारायणपुर, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो कितनी बारिश होती है ये भी याद रखिए, 187 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे अबूझमाड़ नारायणपुर में, और लोवेस्ट होती है कवर्धा में, अबूझमाड़ जहाँ की हाइएस्ट रेनफॉल होती है और लोवेस्ट कहाँ होती है, कवर्धा में, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है कवर्धा, क्योंकि जस्ट बगल में माइकल हिल्स हैं, जब इधर से विंड्स आती हैं, ब्लो होती हैं, इधर वाला इस तरफ बारिश होती है और इस तरफ पूरा सूखा रहता है, इसलिए कवर्धा जो है वो लोएस्ट रेनफॉल होता है। ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको इतनी ज्यादा अच्छे से क्लियर अभी नहीं होंगी, ये तब होंगी जब हम मैप बेस्ड पढ़ाई करेंगे। तो आगे आने वाले सेशंस में हम बिल्कुल मैप बेस्ड पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि लोएस्ट रेनफॉल कवर्धा क्यों, आखिर क्यों, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिए लोएस्ट रेनफॉल कवर्धा। सिटी ऑफ स्क्वायर्स मतलब चौराहों का शहर क्या, कौन सा है, जगदलपुर, और किसने बनवाया इसे चौराहों का शहर, रुद्र प्रताप देव ने, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिए, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया था, ठीक है। सिटी ऑफ पोंड्स या टैंक्स, ठीक है, मतलब तालाबों का शहर और टंकियों का शहर, कौन सा है, रतनपुर। तालाबों का शहर, टंकियों का शहर, कौन सा है, रतनपुर। सिटी ऑफ टेम्पल्स आरंग, ठीक है, आरंग जो कि रायपुर में है उसको क्या कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की नगरी, ठीक है। एजुकेशन हब भिलाई, नागा किंगडम तपकरा जशपुर, यहाँ बहुत ज्यादा स्नेक्स पाए जाते हैं, स्नेक्स निकलते रहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए इसे नाग किंगडम या नागलोक कहते हैं, तपकरा जशपुर, ठीक है। ओल्डेस्ट टेम्पल हमारे यहाँ पे कौन सा है, देवरानी जेठानी टेम्पल तालागांव बिलासपुर, ये इसी से रिजेंबल करता हुआ एक इमेज है, इसी से रिलेटेड, ठीक है।
जब हम टेम्पल्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, अपने कल्चरल वाले पार्ट में, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को. तो आप बिल्कुल, मैं आपको बहुत रिपीटेटिवली ये चीज कहती हूँ कि आप अगर आपको छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से पढ़ना है तो आप सिर्फ ये नहीं पढ़ सकते, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कल्चरल छत्तीसगढ़ भी पढ़ना पड़ेगा. तो आप वो कोर्सेज भी जाके देखिए, ठीक है. सो ओल्डेस्ट टेम्पल देवरानी जेठानी टेम्पल, तालागांव, बिलासपुर. तो ये सारी चीजें होंगी प्लेसेस से रिलेटेड. अगर हम बात करें रिवर्स एंड वाटरफॉल से रिलेटेड, तो गंगा ऑफ छत्तीसगढ़, या फिर लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, महानदी है जिसका जो लेंथ है 858 है. अगर हम बात करें कि वो कहाँ कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, इस तरीके से ना, कटक और इधर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है वो बहती है. तो टोटल लेंथ अगर हम देखें तो 858 है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है, 286. दोनों बहुत अच्छे से याद रखिए, 858 है टोटल लेंथ, लेकिन छत्तीसगढ़ में है 256. गंगा ऑफ छत्तीसगढ़, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, लॉन्गेस्ट रिवर. लॉन्गेस्ट रिवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी नदी जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई बहुत ज्यादा है, और वो छत्तीसगढ़ में बह रही है, तो हम उस केस में लेंगे महानदी को. लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर बह रही है वो सिर्फ, है ना, तो इस केस में कौन सा नदी आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा शिवनाथ, ठीक है. लाइफ लाइन ऑफ बस्तर है इंद्रावती. अगर हम बस्तर रीजन की बात करें तो वहां पे लॉन्गेस्ट है इंद्रावती, इसलिए लाइफ लाइन ऑफ बस्तर इंद्रावती, जिसका ओल्ड नेम मंदाकिनी भी है. लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा रिहंद रिवर, जिसका ओल्ड नेम रेंड भी है. रेंड आज भी इसे कहते हैं, रेंड नदी कहते हैं. तो रिहंद रिवर लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा है, और बस्तर की है इंद्रावती, ठीक है. लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में फ्लो करने वाली सिर्फ छत्तीसगढ़ में फ्लो कर रही है, ऐसी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, शिवनाथ रिवर, 290 किलोमीटर. मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, शंखिनी रिवर. दंतेवाड़ा में जो शंखिनी रिवर है, ठीक है, दंतेवाड़ा में जो शंखिनी रिवर है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पॉल्यूटेड रिवर, उसे माना जाता है. नाइग्रा ऑफ छत्तीसगढ़, हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वाइडेस्ट जो वाटरफॉल्स हैं, वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, है ना, तो वो कौन सा है, नाइग्रा, ठीक है. तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कौन सा है, तो वो है चित्रकोट वाटरफॉल्स, जो कि इंद्रावती रिवर पे है, ठीक है. तो यहाँ पे चित्रकोट वाटरफॉल्स का पिक्चर भी है, ये सबसे वाइडेस्ट है. लॉन्गेस्ट वाटरफॉल्स की अगर बात करें तो तीरथगढ़ है मुनगा बहार नदी पे, तीरथगढ़ जो कि बस्तर में है मुनगा बहार नदी पे 300 फीट जो है इसकी लेंथ है. अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो तीरथगढ़, और वाइडेस्ट की बात करें तो है चित्रकोट. लंबे की बात करें तो तीरथगढ़, और बड़े की बात करें या चौड़े की बात करें तो चित्रकोट, ठीक है. एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं 11. टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं 3 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं 11. 3 में अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें या फर्स्ट की बात करें तो वो है 1978 में कौन सा बना, इंद्रावती, ठीक है. इंद्रावती नेशनल पार्क ये फर्स्ट कहलाएगा. और अगर हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें, इसी तीनों में हमारा ये तीनों कवर हो जाता है, ठीक है. तो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट वन, एंड कांगेर वैली नेशनल पार्क इज द स्मॉलेस्ट वन. इसका एरिया है 200 किलोमीटर स्क्वायर और इसका है 1441 किलोमीटर स्क्वायर. बीच में ये आ जाएगा जिसका कितना है 1258 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है. अगर हम ईयर देख लें तो ये बना था 1981 में, ये बना था 1982 में, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, ईयर वाइज. और अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे पहले गुरु घासीदास, उसके बाद इंद्रावती, और उसके बाद कांकेर स्मॉलेस्ट, ठीक है. कांगेर वैली, नॉट कांकेर, कांगेर वैली, ओके, बस्तर में है. टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 11. बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट हम देखेंगे, और ओल्डेस्ट और लेटेस्ट देखेंगे. बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट और लेटेस्ट, कुछ इस तरीके से याद रखने की कोशिश करिए कि तमो बादल, ठीक है, तमो बादल
सीता भोरा, तमो बादल सीता भोरा, ठीक है। इसी तरीके से याद रखिए, बार बार ना कुछ चीजों को रिपीट किया करिए, रिवाइज किया करिए, ठीक है। नॉर्मली बैठे हैं, अचानक से याद आया कि अरे यार मैंने क्या पढ़ा था वो, तो रिवाइज करिए, क्या पढ़ा था, तमो बादल सीता भोरा, ठीक है। तो तमोर पिंगला सूरजपुर, ये बिगेस्ट है, 608 किलोमीटर स्क्वायर, और बादल कोल जशपुर, ये स्मॉलेस्ट है, 105 किलोमीटर स्क्वायर। फिर ओल्डेस्ट हमने क्या बोला, सीता भोरा, तो सीता नदी जो कि धमतरी में है वो ओल्डेस्ट है 1974 में, और लेटेस्ट मतलब न्यूएस्ट कौन सा है, भोरम देव जो कि कवर्धा में है 2001 में, ठीक है। सो तमो बादल सीता भोरा, ठीक है। अगर आपको ये एरिया फिलहाल नहीं भी याद हो रहा है, आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लें, क्योंकि हम आगे इन सब चीजों को फिर से डील करेंगे, तो वहां पे हम बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। बस फिलहाल आप याद क्या करिए, तमो बादल सीता भोरा, ठीक है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एशिया, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था एशिया का फर्स्ट, कांगेर वैली 1982, जो कि अभी एट प्रेजेंट वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, एट प्रेजेंट सिर्फ हम बोल सकते हैं कि अचानक मार जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन उस समय पे था और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये एशिया का, कांगेर वैली जो कि 1982 में बना था। बायोस्फीयर रिजर्व एट प्रेजेंट कौन सा है, अचानक मार रिजर्व, जो कि 14th है इंडिया में अगर हम बात करें, और डिक्लेयर कब किया गया, 2005 में। इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्री बीएनसी मिल राजनंदगांव 1892, ठीक है, ये वही है जहां पे 3 बार वर्कर्स की स्ट्राइक हुई थी, अगर आप हिस्ट्री जानते होंगे तो फर्स्ट इंडस्ट्री बीएनसी मिल राजनंदगांव 1892 में बना था। फर्स्ट जूट मिल मोहन जूट मिल रायगढ़ 1935 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स, अगर हम इंडस्ट्री में सिर्फ 5-6 अभी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो ऐसा है कि बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, आगे जब हम इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाकी चीजें भी। तो फर्स्ट इंडस्ट्री बीएनसी मिल राजनंदगांव 1892, फर्स्ट जूट मिल मोहन जूट मिल रायगढ़ 1935, फर्स्ट शुगर फैक्ट्री, पहला शक्कर कारखाना कवर्धा में भोरम देव शुगर फैक्ट्री, जो कि कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो याद रहना चाहिए आपको, रामहेपुर, ठीक है, रामहेपुर में है भोरम देव शुगर फैक्ट्री, जो कि कब बना था, 2002-03 में, ठीक है। फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री जामुल दुर्ग 1965, जामुल दुर्ग 1965 में फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री बना। बिगेस्ट स्टील प्लांट ऑफ एशिया, एशिया का बिगेस्ट स्टील प्लांट है बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, जो कि कब बना था, 1955 में, सेकेंड 5-year प्लान के दौरान, ठीक है। बिगेस्ट स्टील प्लांट ऑफ एशिया भिलाई स्टील प्लांट 1955 में बना था, सेकेंड 5-year प्लान के दौरान बना था और रशिया की हेल्प से बना था। बिगेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर, स्पॉन्ज आयरन के प्रोड्यूसर अगर हम बात करें एशिया में, तो बिगेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़, ठीक है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, और एक बार फिर से आप रिवाइज करिए इन सब चीजों को, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है उससे गो थ्रू हो जाइए, एक बार लेसन पढ़ लिए, एक बार पीडीएफ से गो थ्रू हो जाइए, है ना, जहां भी आपको जरूरत लगे आप नोट्स भी बनाइए, बिल्कुल मेमोराइज ऐसा करिए कि आपसे कोई सोते सोते भी पूछे तो आपको याद रहे, ठीक है। अगेन रिमेम्बर, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन अवर गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, अगर आपको अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है, तो आपको हमेशा डिसिप्लिन बने रहना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में भी अभी हम अपना ये इंट्रोडक्टरी वाला सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे, आपको चाहे जितनी भी चीजें आती होंगी ऑलरेडी पहले से, लेकिन आई अश्योर यू कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे, ठीक है, और आपकी चीजें भी रिवाइज हो रही होंगी, और फ्रेशर्स के लिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।